जी हाँ, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक ऑल न्यू वीडियो सेशन। जैसे कि मैं बहुत टाइम से लेके नहीं आ पा रहा था वीडियो, तो आप सारे दर्शकों का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है राहुल वर्मा ऑडियो शो में। और मैं हूँ आप लोगों का होस्ट राहुल, और लेकर आया हूँ द एक्सक्लूसिव रिव्यू एंड कंपेरिजन ऑफ द ऑल न्यू कॉम्पैक्ट SUV कमिंग इन टू द मार्केट। बहुत जल्दी आने वाली है, तो आप लोग समझ गए होंगे थंबनेल देख के कौन सी गाड़ी के बारे में बात करने वाला हूँ। जी हाँ, आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे अबाउट द रेनॉल्ट काइगर। जी हाँ, रेनॉल्ट काइगर का मतलब जो रेनॉल्ट काइगर को अनवील कर दिया है इंडियन मार्केट में, लेकिन अभी तक इसकी लॉन्च डेट अभी आई नहीं है। मे बी इस महीने के एंड तक या मार्च के फर्स्ट वीक तक ये गाड़ी लॉन्च हो जाएगी। तो चलिए, इस गाड़ी से जुड़े बहुत सारे बातों को डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। इवन हम लोग इस गाड़ी से जुड़े पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स और इस गाड़ी के कुछ कंपैरिजन विद ऑल द अदर 8 राइवल्स, मतलब कि ब्रेजा, नेक्सॉन, इको स्पोर्ट, XUV300, WRV, वेन्यू, सोनेट, इवन द मैग्नाइट जो कि इसकी सिबलिंग SUV है, उसको भी कंपेयर करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या रेनॉल्ट की ये जो एक नई मूव है विद द क्या बोलते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ द CMFA प्लेटफॉर्म, पर्टिकुलरली बेस्ड ऑन द क्विड्स प्लेटफॉर्म, तो उसके ऊपर गाड़ी को बिल्ड किया गया, और क्या ये गाड़ी एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट साबित होगी फॉर द रेनॉल्ट एंड जो उसकी सिबलिंग SUV है मैग्नाइट, क्या ये उससे कुछ हद तक डिफरेंस खाती है या बिल्कुल ही सेम है दोनों ही गाड़ियां हर एस्पेक्ट्स में। चलिए इन सब चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करते हैं बगैर ज़्यादा टाइम लिमिट को खींचते हुए, ठीक है। और आप लोगों से गुजारिश रहेगी कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अगर मैं बात बताऊं तो उसको आप स्किप ना कर सकें, मतलब कुछ भी अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप अपने मतलब स्किप ना कर सके, और आगे जाके वो आपको हेल्प करेगा इन परचेजिंग एनी ऑफ दिस व्हीकल्स। तो चलिए, किस बात की देरी, शुरू कर दे आज के ये डिटेल सेशन राइट अवे एंड कीप रोलिंग द कैमरा। चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं आज के ये एक्सक्लूसिव एंड डिटेल रिव्यू ऑफ द रेनॉल्ट काइगर। तो पहले हम बात करेंगे इस गाड़ी से जुड़े जो ओवरऑल डिजाइन एंड इसके जो ओवरऑल मतलब आउटलुक कैसा है, इस गाड़ी का डिजाइन कहाँ से मिलता है कहाँ से नहीं मिलता, उन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। पहले मैं बता दूं साफ शब्दों में कि मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से तो मुझे ये गाड़ी क्विड का ही एक बिगर वर्जन लग रहा है, एक मॉडिफाइड वर्जन लग रहा है देखने में, ठीक है। क्योंकि एक तो क्विड हैवी SUV स्टांस के ऊपर बेस्ड एक हैचबैक है, लेकिन इसका जो डिज़ाइन है फ्रंट हो, साइड हो या इवन रियर भी हो, बहुत मतलब क्या बोलते हैं रिजेंबल करता है विद द क्विड। मतलब काइगर और क्विड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इनफैक्ट काइगर थोड़ी सी ज़्यादा स्पेशियस है इन ओवरऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द कैबिन एंड द बूट स्पेस के मामले में। इंजन भी इसमें 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड एंड 1 लीटर टर्बो पेट्रोल आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से 1 लीटर तो जो नेचुरली एस्पिरेटेड वाला आता है वो क्विड में भी है, वही सेम इंजन इसमें भी आता है, तो डिफरेंस ज़्यादा है नहीं, माइनर फीचर्स की डिफरेंस है। और SUVs के स्टांस के हिसाब से इस गाड़ी को थोड़ा सा एग्रेसिव बनाया गया है, तो लुक्स देखा जाए हैट्स ऑफ टू द रेनॉल्ट्स की जो डिज़ाइनर है, उन्होंने डिज़ाइन टीम है जो उनकी, उन्होंने काफ़ी अच्छा कोशिश की है इस गाड़ी को अच्छा डिज़ाइन देने के लिए, एंड आई एम क्लियरली सेटिस्फाइड विद द डिज़ाइन एंड द ओवरऑल लुक्स ऑफ दिस SUV, चाहे वो फ्रंट हो, साइड हो या रियर हो, तीनों जगह एक यूनिक नया एक फ्रेश डिज़ाइन देने को मिलेगा। फ्रंट हालांकि एकदम सेम है रेनॉल्ट का, जो टिपिकल रेनॉल्ट स्टाइल वाला जो डिज़ाइन है वो है, लेकिन जो ओवरऑल साइड एंड रियर लुक है वो कहीं ना कहीं आप लोगों को जो रेनॉल्ट की पहली गाड़ी आती थी, मतलब जो सबसे महंगी जो हालांकि चली नहीं, उस तो गाड़ी का नाम मैं बता देता हूँ, रेनॉल्ट की एक गाड़ी आती थी रेनॉल्ट कोलियोस, उससे मिलती जुलती है इसकी ओवरऑल रियर डिज़ाइन, जो उसके जो रूफ स्पॉइलर है वो कहीं ना कहीं कोलियोस की याद दिलाएगी, और वो गाड़ी थोड़ी ज़्यादा प्रीमियम थी, हाई एंड लेवल की गाड़ी थी, 25-30 लाख की आती थी, लेकिन बिकी नहीं। इट वॉज अ 4x4 SUV, लेकिन वो कभी बिकी नहीं, इतनी ज़्यादा नंबर्स में आई तो थी लेकिन वो इम्पोर्ट कराई जाती थी, इंडिया में बनती नहीं थी, तो उसकी वजह से डिज़ाइन इसको लगेगी देखने में। लेकिन आफ्टर डस्टर क्विड ट्राइपर ये गाड़ी एक नया बेंचमार्क सेट करेगी मेरे हिसाब से शायद रेनॉल्ट के लिए इन द इंडियन कार मार्केट, और दो ही गाड़ियाँ सक्सेसफुल ज़्यादा रही है डस्टर एंड क्विड, उसके बाद अगर कोई गाड़ी होगी तो शायद में भी काइगर हो सकती है ये गाड़ी रेनॉल्ट की जो सक्सेस लेवल को ऊपर लेके जाए। तो ये था ओवरऑल लुक्स के बारे में, और मैं अगर रेटिंग दूँ उसकी गाड़ी को मतलब ओवरऑल इंटीरियर को देखते हुए या एक्सटीरियर को देखते हुए, लुक्स मेरी तरफ से आएंगे कहीं ना कहीं 3.5 out of 5। देखिए इंटीरियर के बारे में बता दूँ तो इंटीरियर हूबहू ड्राइवर से मिलता है, इसी वजह से मैंने उसको 3.5 दी है, वो मैं आगे डिस्कस करूँगा बाकी गाड़ी को कंपेयर करते हुए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि इस गाड़ी में क्या पॉजिटिव्स है क्या नेगेटिव्स है। देखिए पॉजिटिव से शुरू करते हैं,
पॉजिटिव ये है कि गाड़ी स्पेशियस है, बूट स्पेस बहुत अच्छा है, इवन वन ऑफ द बिगेस्ट बूट स्पेस है इन दिस सेगमेंट 405 लीटर्स का। इससे पहले जो आती थी वो है किया सोनेट जिसका 396 लीटर था, उसको भी सरपास कर दिया इस गाड़ी ने। ठीक है, अब एक्स्ट्रा चीज क्या है कि इस गाड़ी में फीचर्स आपको अच्छे खासे मिल जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा जो है इसकी प्राइसिंग, जैसे कि मैग्नाइट की प्राइसिंग रही है वैसे ही इसकी प्राइसिंग भी रहेगी इन द इंडियन कार मार्केट, ताकि टफ कॉम्पिटिशन मिल सके अपने बाकी राइवल्स के मुकाबले, चाहे वो रबर के हो, ब्रेजा हो, नेक्सॉन हो, XUV300 हो, फोर्ड इकोस्पोर्ट हो, WRV हो, वेन्यू हो, सोनेट हो, इवन जो मैग्नाइट जो अभी अच्छे नंबर्स में सेल कर रही है, इवन 40,000 से ज़्यादा बुकिंग उसकी हो चुकी है और वेटिंग पीरियड भी ऑलमोस्ट 6 मंथ्स का है उस गाड़ी के ऊपर, लेकिन जो ऐसा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिला है निसान को, उसको देखते हुए शायद थोड़ा अंदाजा लगाया जा सकता है कि रेनॉल्ट को किस तरह का एक्सपीरियंस मिलने वाला है। हाँ, निसान रिलायबिलिटी में थोड़ी आगे है, वो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन रेनॉल्ट अपनी क्या बोलते हैं जितने भी उसने प्रोडक्ट्स लॉन्च करी है उनमें सिर्फ डस्टर एंड क्विड है जो उनके सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स हुए हैं टिल डेट, अगर हमें आज की मतलब और गाड़ियों के मुकाबले अगर उन गाड़ियों को देखूँ तो पॉजिटिव तो इतने ही थे। और गाड़ी में ये चीज़ अच्छी है कि आपको 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल मिल जाता है एट अ वेरी स्टैगरिंग प्राइस रेट, मतलब 10-11 लाख में जल्दी मिलता नहीं है, लेकिन आपको 1 लीटर का अच्छा खासा टर्बो पेट्रोल इंजन मिल जाता है 120 की पावर जनरेट करने वाला, तो उस हिसाब से गाड़ी बहुत अच्छी है। ठीक है, और डिज़ाइन भी काफ़ी पसंद आएगा लोगों को और पसंद कर रहे हैं लोग इवन। मैं आप लोगों को कुछ क्या बोलते हैं जो मैं बाकी लोगों की वीडियोस देखता हूँ और मैं न्यूज़ भी पढ़ता हूँ तो उसमें मुझे कई लोगों के कमेंट आए, मेरे यूट्यूब पे भी देखे, उन लोगों ने कई जगह तो लिखा है कि कॉस्ट कटिंग करिए लेकिन इसके जो ओवरऑल लुक्स है वो कस्टमर्स को भा रहा है। कॉस्ट कटिंग तो देखिए हर गाड़ी में होती है, लेकिन रेनॉल्ट का है तो थोड़ा सा आप लोगों को ज़्यादा संभल के रहना होगा, रेनॉल्ट की जो आफ्टर सेल सर्विस है वो इतनी ज़्यादा खास नहीं है, तो ये है सबसे बड़ी नेगेटिव। नेगेटिव ये है कि आफ्टर सेल सर्विस गाड़ियों की अच्छी नहीं है रेनॉल्ट की, ये बात सबको पता है एंड इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, हालांकि अभी भी उस लेवल तक इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिली हम लोगों को। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि मतलब दूसरा नेगेटिव ये है कि इनकी जो ओवरऑल इंटीरियर बिल्ड क्वालिटी है नॉट अप टू द मार्क, जो इनके राइवल्स हैं उनको अगर देखें तो वो एक बेंचमार्क सेट कर चुके स्टैंडर्ड्स प्रीमियमनेस की लग्जरी की, लेकिन यहाँ पे वही सिंपलिस्टिक सा ट्राइवर इंटीरियर मिलेगा विद माइनर ट्विकिंग्स। नेक्सॉन से लिया हुआ सेंटर कंसोल ठीक है, वो पूरा नेक्सॉन का ही है, मल्टी ड्राइविंग मोड्स चाहे वो स्लाइडर हो कप होल्डर के लिए बहुत कुछ सेम मिल रहा है नेक्सॉन से, लेकिन वो फीलिंग नहीं आती आपको प्रीमियम एसयूवी वाली। बाहर से बहुत अच्छी गाड़ी है, ओवरऑल इसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, हालांकि रेनॉल्ट की बिल्ड क्वालिटी इतनी कुछ खास रही नहीं है, जितने भी क्रैश टेस्ट उनमें देखे ग्लोबल एन के आपके क्विड ने 0 किए, डस्टर ने तो ऑलमोस्ट 1 या 2 मुश्किल से लेके आई विद एयरबैग, विदाउट एयरबैग तो बहुत बुरी हालत थी उसकी, 0 स्टार आते थे, तो उस हिसाब से देखो तो गाड़ी बहुत सारी चीज़ों में आगे भी निकलेगी, लेकिन इंटीरियर बिल्ड क्वालिटी एंड आफ्टर सेल सर्विस रेनॉल्ट को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और इस गाड़ी के अच्छे रिस्पॉन्स के बाद इंटीरियर में काफ़ी मेजर अपडेट देना होगा इन देयर अपकमिंग फेसलिफ्ट वर्जन ऑफ द रेनॉल्ट टाइगर, मोर 1 से 2 साल के बाद जब इसकी फेसलिफ्ट आएगी तब उसमें वो चीज़ें मतलब इम्प्रूव करे, अदरवाइज एक गाड़ी बिल्कुल भी दिक्कत करने वाली नहीं है, बस थोड़ी सी बस चीज़ें ना इन पर ध्यान दे दे रेनॉल्ट, एवरीथिंग विल बी गेट सॉर्टेड आउट। तो ये था, नेगेटिव ज़्यादा नहीं थे, पॉजिटिव मैंने बता दिए। तो अब हम बात करते हैं इस गाड़ी के राइवल्स के बारे में, ब्रेजा, नेक्सॉन, XUV, ये 3 है इसके मेन राइवल, उसमें से ब्रेजा वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कॉम्पैक्ट XUV टिल डेट सेलिंग इन द इंडियन मार्केट, और नेक्सॉन XUV300। देखिए मैं अगर टाइगर को अलग कर दूँ और मैग्नाइट को अलग कर दूँ तो इन दोनों को अलग करने के बाद जितनी भी गाड़ियाँ सेगमेंट में आती हैं उन सब में आपको 1000 cc से ऊपर के इंजन मिलते हैं, और अगर 1000 cc आते भी है तो उसमें आपको 7-speed DCT या फिर 6-speed manual transmission देखने को मिलेगा, वो तो गाड़ियाँ जो है मैं बता दूँ वेन्यू एंड सोनेट है, इनमें 1000 cc का इंजन आता है, लेकिन उनका जो पावर आउटपुट है इट इज एब्सोल्युटली स्टैगरिंग, 120 PS की पावर, और 100 PS तो यही निकालती है क्या बोलते हैं रेनॉल्ट टाइगर एंड मैग्नाइट, लेकिन इनके पावर इतने ज़्यादा वो नहीं लगते कि पंची इंजन नहीं है। और आवाज़ सबसे बड़ी दिक्कत, जितनी भी गाड़ियाँ कॉम्पिटिशन में देखें मैग्नाइट और टाइगर को अलग कर दो सारी गाड़ियों में अच्छी रिफाइनमेंट देखने को मिलेगी, लेकिन टाइगर और मैग्नाइट में थोड़ी इंजन नॉइज ज़्यादा आएगी क्योंकि 3-cylinder यूनिट है, दे आर नॉट द 4-cylinder इंजन, और रिफाइनमेंट लेवल्स मतलब कैबिन आइसोलेशन
जो इंजन की नॉइज आनी हो, एनविच लेवल्स इतने ज्यादा अच्छे नहीं है, वाइब्रेशन फील होते हैं बिल्कुल होते हैं, और बाकी गाड़ियां जो है रिफाइंड स्मूथ एंड पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा अच्छे राइड एंड हैंडलिंग भी देती है, इवन सेफ्टी भी देती है। एसयूवी एंड नेक्सॉन दोनों ही 5-star रेटेड एसयूवीज है, कॉम्पैक्ट एसयूवीज, तो उस हिसाब से देखें तो ये गाड़ियों को ये मतलब टाइगर एंड मैग्नाइट को काफी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। हालांकि मैग्नाइट ने तो अपनी अच्छी खासी एक पकड़ इंडियन मार्केट में दिखा दी है, लेकिन टाइगर पे अभी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या ये गाड़ी चलेगी। मैग्नाइट तो देखो चल पड़ी, उसके सेल्स अच्छे हैं, उसकी ओवरऑल सब कुछ बहुत अच्छे से अभी मतलब पर्टिकुलरली वर्क कर रहे, लेकिन टाइगर उस जगह पे मतलब एक बेंचमार्क पे खड़ी उतर पाई है अभी कुछ कह नहीं सकते, फिंगर्स क्रॉस। लेकिन मैं होप करता हूँ कि आफ्टर द सक्सेस ऑफ डस्टर एंड क्विट टाइगर शायद उस लेवल की सक्सेस को लेके जाएगी, शायद इवन डस्टर एंड क्विट के सक्सेस को भी सरपास कर जाएगी, ये मेरा मानना है। हाँ, जो कमियां हैं वो रेनॉल्ट को जरूर ध्यान देना चाहिए। अगर कोई भी ऐसी वीडियो मेरी देख रहा है रेनॉल्ट के जो भी ऑफिशियल हो, तो मैं उसको जरूर कहना चाहूंगा कि छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दीजिए। बिल्ड क्वालिटी तो अभी कुछ कह नहीं सकते जब तक टेस्ट के रिजल्ट नहीं आते, हालांकि जो ओवरऑल फिट फिनिश वगैरह है पहल गैप गाड़ियों में है, ओवरऑल इंजन की एनवीएच लेवल्स है, कैबिन आइसोलेशन है, वो थोड़ा अच्छा कर देना, सब कुछ अच्छा होता है। बाकी गाड़ियों में कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है, सीट कंफर्ट भी अच्छा है, सीट्स की अपॉस्टी भी बहुत अच्छी है, एवरीथिंग इज वेरी गुड। ओके, तो ये थी एक साफ सीधी बात, मैं देखो बता दिया, छोटा सा कंपैरिजन कर दिया वीडियो को बनाते हुए, क्योंकि जो इसके राइवल्स है वो काफी ज्यादा अच्छे नंबर्स में सेल करते हैं, इवन जो ब्रेजा है, नेक्सॉन है, एक्सयूवी 300 इको स्पोर्ट एंड वेन्यू सोनिक, ये 5-6 गाड़ी कुछ है जो अच्छे नंबर्स में सेल करती है। WRV ओके, लेकिन मैग्नाइट अभी ज्यादा आगे है अगर मैं टाइगर के कंपैरिजन में देखूं तो। टाइगर गाड़ी तो अच्छी है, लेकिन जो जैसे जैसे मैंने बात बोली उस पर अगर थोड़ा फोकस किया जाए तो ये गाड़ी और द बेस्ट प्रोडक्ट बनेगी इन दिस पर्टिकुलर कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में। सब आप बात करते हैं प्राइसिंग की, देखिए प्राइसिंग इसका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर ये मैग्नाइट की तरह ही एकदम स्टैगरिंग प्राइस रेट पे आ जाए तो ये गाड़ी बहुत अच्छी है, अदरवाइज अगर ये एक्सीड कर जाएगी 12-13 लाख 14 लाख तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हालांकि ऐसा होगा नहीं, उस लेवल के स्टैंडर्ड्स इस गाड़ी के अंदर नहीं है, गाड़ी बनी है सिर्फ एक एवरेज मीडियम मतलब एवरेज मीडियम क्लास फैमिली के लिए, ज़्यादा बोलते ना लग्जरी अगर आप ढूंढ रहे इस गाड़ी के अंदर टाइगर के अंदर तो आपको नहीं मिलने वाला, आपको वो चीज़ों के लिए ब्रेजा, नेक्सॉन एक्सयूवी 300, WRV, इको स्पोर्ट, वेन्यू सोनेट में ही जाना पड़ेगा, उनके पास हाई लेवल की गियरबॉक्स, अच्छे खासे इंजन्स और स्पेस फीचर्स, बिल्ड क्वालिटी सब कुछ अच्छा मिलेगा। इनके मुकाबले थोड़ा सा आप लोगों को उसमें पैसा ज़्यादा लगाना पड़ेगा, लेकिन ये थोड़ी अभी मैं बोलता हूँ रुक के चलिए इन गाड़ी को लेके, जब तक इनके रिव्यूज़ या इनके आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस ना आ जाए किसी कस्टमर के द्वारा, तब तक आप इस गाड़ी को थोड़ा ज़्यादा कंसिडर ना करें। मैग्नाइट तो काफ़ी अच्छी है, निसान का सबसे अच्छा प्लस पॉइंट यही रहा है कि वो एक ओवरऑल रिलायबिलिटी में आगे रही है रेनॉल्ट के मुकाबले। रेनॉल्ट की अब से रही है कि आफ्टर सेल सर्विस एंड रिलायबिलिटी के प्रोडक्ट्स की इतनी अच्छी रही नहीं है। डस्टर एंड क्विट ऐसी अच्छी गाड़ी है, जो दो ऐसी गाड़ियाँ हैं जिन्होंने ज़्यादा दिक्कत नहीं दी है, कईयों को दी है कईयों को नहीं दी है, तो उस जगह ठीक है, लेकिन निसान अपने प्रोडक्ट्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं ना सीरियस है, और इंडियन मार्केट में अपने नए नए प्रोडक्ट्स को लेकर आने के लिए बहुत जल्दी उत्साहित भी है, तो उस जगह देखें तो गाड़ी वैसा अच्छी है। और ओवरऑल देखिए मैंने एक्सटीरियर को दिया था 3.5, अगर मैं एक कंप्लीट गाड़ी को एक वो दूँ, मैंने लुक्स के ऊपर दिया था 3.5 out of 5, चाहे इंटीरियर हो एक्सटीरियर को मिला के दिया था 3.5, अगर मैं ओवरऑल गाड़ी को बोलूँ स्पेस में, इंजन पावर एंड परफॉर्मेंस में, लुक्स में, रिलायबिलिटी में, रिलायबिलिटी का अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन एक 10 में से अगर मैं देना चाहूँ तो मैं इसको 7 out of 10। तो ये गाड़ी अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले अभी तो फिलहाल मैं कंसिडर नहीं करूँगा इस गाड़ी को, आई विल डेफिनेटली प्रिफर टू गो विद द निसान मैग्नाइट, क्योंकि मैग्नाइट का मुझे लुक्स भी बहुत पसंद है और वो गाड़ी दिखने में भी बहुत ज़्यादा सॉलिड है, और उसके टेस्ट भी आ चुके हैं, इट हैज़ गॉट ऑलमोस्ट 4 out of 5 ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट रेटिंग्स को 4 stars मिले आउट ऑफ 5, तो इससे ज़्यादा बढ़िया और क्या हो सकता है, और उस बजट में भी बहुत अच्छी है, 10-11 lakh का उसका ऑन रोड डेली प्राइस है, तो उस गाड़ी की तरफ कंसिडर कर सकते हैं डेफिनेटली। तो चलिए आज का ये वीडियो था अबाउट द रेनॉल्ट टाइगर, अभी तो मैं बोलता हूँ थोड़ा रुक के चलिए, संभल के चलिए, लेकिन जो मैं कमेंट्स डालूंगा लोगों के वो आप जरूर देखिएगा, वीडियो के बीच बीच में मैं कमेंट्स डाल दूंगा, तो आप पढ़िएगा, समझ आएगा कि लोग क्या सोच रहे हैं इस गाड़ी को लेकर और क्या मतलब ये आगे
सक्सेस कर पाएगी कि नहीं, वो तो आगे भगवान भरोसे ही है। बाकी मेरा काम था आप लोग को एक डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, इस गाड़ी से जुड़े हर उस बात को मैं क्लियरली आप लोग के सामने रख सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ। एंड आई होप आप लोग की वीडियो पसंद आए, पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा, लेकिन लाइक करिएगा अगर आपको बहुत अच्छा लगा। अगर मेरा कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोग के काम आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। सब्सक्राइब कर लीजिए नए व्यूवर्स, बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि अभी बहुत सारी वीडियोस लेकर आऊँगा। और मैं ज़्यादा बोलता ना एक टिपिकल जर्नलिस्ट की तरह नहीं, मैं सीधा सीधा बात रखूँगा कि वो भैया अच्छी अच्छी चीज़ें पहले बता देंगे जर्नलिस्ट वगैरह जितने भी हैं। मैं जर्नलिज्म के दुनिया में जुड़ूंगा, लेकिन मैं जर्नलिस्ट की तरह नहीं, मैं हूँ सीधा साधा पॉइंट कट टू पॉइंट बात करने वाला कि गाड़ी भाई है ठीक या नहीं। क्योंकि पैसे बार बार नहीं लगाए जाते किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए, चाहे वो गाड़ी हो या बाइक हो या कोई भी चीज़ हो। देखिए पैसे आपके हैं, सही जगह इन्वेस्ट करना वो आप लोगों का काम है, और आप लोग को कहाँ इन्वेस्ट करना है वो हम बताएंगे, ठीक है। तो ये था एक एक्सक्लूसिव एंड डिटेल वीडियो अबाउट रेनॉल्ट टाइगर। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए आज के वीडियो यही खत्म करने का। अगले वीडियो में मिलूंगा जल्द आप लोगों से एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक नई कंटेंट के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद एंड शुभ अग्रिम, मिलेंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।